हमारा जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो स्टेटमेंट इशू हुआ है दैट इज़ रिगार्डिंग टूरिज्म हब, एक है ये बुलेवार्ड डल लेक वगैरह, और पीक टूरिज्म सीजन में इसको दो दिन के लिए सील ऑफ कर देना, आउट ऑफ बाउंड्स कर देना लोकल पॉपुलेशन के लिए, इससे हमारे बिजनेस को काफ़ी दक्चा लगता है जो हमारा टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस है, क्योंकि टूरिस्ट के लिए अगर आप अलाउ भी करते हैं गाड़ियाँ, लेकिन टूरिस्ट को वो फ्री माहौल नहीं मिलेगा वहाँ घूमने का, क्योंकि इतनी प्रेजेंस होगी। सो हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि विद मिनिमम डिस्टर्बेंस टू द लोकल पीपल, अगर आप कोई डिग्निटरी आते भी हैं तो सिक्योरिटी वालों को अल्टरनेटिव्स देखने चाहिए इसके लिए, रादर के एरिया को ही आउट ऑफ बाउंड्स कर देना, वो भी दो दिन के लिए, क्योंकि टूरिस्ट के अपने बड़े शेड्यूल्स होते हैं, टाइट शेड्यूल्स होते हैं, कोई एक दिन के लिए ही आया है, कोई दो दिन के लिए, उसमें अगर आप इनको एडवाइस करोगे कि मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करो, जो कि इन्होंने गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू की है, उसमें वो कह रहे हैं कि मिनिमम मूवमेंट होनी चाहिए टूरिस्ट की, तो वो इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं जाता। हमारी स्टेटमेंट में ये भी जिक्र है कि पहले भी होम मिनिस्टर साहब आते रहे हैं यहाँ कश्मीर में, सिटी सेंटर्स में भी घूमे हैं, शॉपिंग्स भी की हुई है, तो लेकिन इतना जो हाइप क्रिएट की गई है कल शाम से इतना ये कि वो आउट ऑफ बाउंड हो गया, ये आउट ऑफ बाउंड हो गया, ये एरिया सील हो गया, दिस नॉट गुड फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि देखिए अब सिचुएशन को देखते हुए उनको भी अपने मेजर्स लेने हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल वो जस्टिफाइड भी हो सकते हैं किसी किसी जगह, बट उनको ये भी इंश्योर करना है कि जो लोकल पॉपुलेशन है, बिजनेस कम्युनिटी है, टूरिस्ट हमारे हैं, मेहमान हैं हमारे, उनको मिनिमम डिस्टर्बेंस हो, डिस्ट्रप्शन उनके प्रोग्राम्स में ना हो, क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने पहले किसी ने अपना शेड्यूल बनाया होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो ये सारा अपसेट हो जाता है, उसे डिस्ट्रप्शन एक हो जाती है जो अवॉइड की जा सकती है।